गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है मॉर्निंग में मैं आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री पे चर्चा कर रहा हूँ, ज्योमेट्री आपको कंप्लीट करा रहा हूँ, और इवनिंग में मैं आपको जो इंटीग्रेशन पढ़ा चुका हूँ उसका रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, हमने बात की थी पिछले वीडियो में इंटीग्रेशंस के कुछ फॉर्मूले और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पर। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किसके द्वारा करना है? सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन के द्वारा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको आप क्वेश्चंस के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हमने क्वेश्चंस ले लिया 2x प्लस 3 इज टू द पावर 4 टू डी एक्स। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि आपने इस तरह का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, आपने तो फार्मूला ये पढ़ा है, अगर अलजेब्रिक फार्मूला आपने देखा होगा। ठीक है, तो x पावर n dx का इंटीग्रेशन यदि आप करें तो ये आपने फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ केवल x होना चाहिए, लेकिन 2x प्लस 3 आ गया। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, इसकी जगह कुछ आप स्थापित करेंगे। तो सपोज करेंगे आप, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मान लेंगे आप कि जो 2x है इसको कुछ नया वेरिएबल मान लेंगे, जैसे आपने t मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं आप t। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डिफरेंशिएट। ठीक है, और डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के हिसाब से आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। टू एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन हो जाएगा। ठीक है, थ्री ये कांस्टेंट है, इसका आप करेंगे जीरो होगा, और टी का आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से सॉल्व करें तो टू यहाँ टू आएगा, टू डी एक्स यहाँ लाइए कॉस डी टी। आपको रिप्लेस क्या करना है, यहाँ देखेंगे आप जो चीज़ रिप्लेस हो रही हो, एक्चुअली ये एक्स के सापेक्ष है, मतलब एक्स के सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन करना है, लेकिन आपने इसको चेंज किया टी के रूप में, तो अब आप टी के रूप में इसको पूरा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये आपका टी से रिप्लेस होगा, तो नया यदि इंटीग्रल फंक्शन आता है तो क्या आएगा। ठीक है, ये टी हो गया इसकी जगह, और डी एक्स की जगह आप यदि रिप्लेस करेंगे यहाँ से तो डी टी अपॉन टू। ठीक है, इसको अब आप सॉल्व कर देंगे तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, इंटीग्रेशन किसका होगा टी पावर फोर डी टी, टी के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होगा इक्वल्स टू वन बाई टू। अब ये यहाँ एलजेब्रिक टाइप का आपका बन गया, तो फॉर्मूला आप यहाँ एक्स पावर है तो यहाँ टी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी की पावर फोर प्लस वन यानी फाइव अपॉन फाइव। ठीक है, प्लस सी, तो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो वन बाई टेन, और टी की वैल्यू जो भी है वो आप पुट अप करिए, टू एक्स प्लस थ्री पावर फाइव प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपको सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इंटीग्रेशन बताया मैंने। और चलिए क्वेश्चन सॉल्व ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन से आपका इंटीग्रेशन टू द पावर 4x माइनस 2, ठीक है, इंटू dx। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे आपने तो ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, e टू द पावर x का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ और आ गया, अब आपको क्या करना है इस वाले पार्ट को, ठीक है, सपोज करने की एक्स ही है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं कि जो 4x माइनस 2 है वो t के इक्वल है, तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4 हो जाएगा इसका 0 इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से यदि डी एक्स निकालेंगे अपन तो क्या आ जाएगा, 1 बाई 4 इंटू डी टी। यहाँ पुट अप कीजिए तो इंटीग्रेशन चेंज होगा ए टू द पावर टी टू डी टी अपॉन फोर, वन बाई फोर बाहर करिए
e की पावर टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा 1/4 ई टू द पावर टी का ई टू पावर टी प्लस सी। अब जो आपने जिसको टी माना था वो वैल्यू यहाँ पुट अप कर दीजिए, ठीक है। तो किसको टी माना था, 4x-2 को, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा क्वेश्चंस को कर सकते हैं, और ये आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके चलिए आप कुछ और सवाल लगाइएगा, और मैंने आपको मेथड समझा दिया कि इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।